ये तखत की अपने गुप्त तिजोरी है जिसके अंदर अपने पैसे भी आप रख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूँ अजय, फर्नीचर लाइव पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूँगा तखत को लेकर। भाई, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है अगर आप सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं, हम लोग तखत भी बना देते हैं अगर कस्टमर की डिमांड होती है तो। तखत बनवाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सारी डिटेल बातें आपसे शेयर करूंगा। मैं फर्नीचर जुड़ी कंप्लीट नॉलेज देता हूं, फर्नीचर का वर्क भी करवाता हूं। अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन वीडियो के लिए। यह है तखत जो कि कंप्लीट हो गया है 4500 रुपये में। और जो इस तखत की लाइफ है, इसका अंदाज़ा इसकी लकड़ी की मोटाई की थिकनेस से आप लगा सकते हैं। इसकी जितनी भी थिकनेस होगी किसी भी चीज़ की, वो उतनी ज़्यादा दिन चलती है। ये 4 इंची चौड़ी लकड़ी है और इसकी जो थिकनेस है वो 1.5 इंची मोटी है, और जो पाए हैं वो अपने 3 इंच चौड़े हैं, 3 इंच मोटे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, थिकनेस जो है वो आप देख सकते हैं 1.5 इंची इसकी थिकनेस है, और जिससे फ्रेमिंग की गई है जो इसकी चौड़ाई है वो 4 इंची है, और जो पाए हैं वो अपने 3x3 के यानी 3 इंची चौड़े, 3 इंची मोटे ये पाए हैं, जिनसे कि आप समझ सकते हैं इनकी लाइफ कितनी होगी। और जो लकड़ी की फ्रेमिंग की गई है वो नीब की लकड़ी है, और ऊपर जो ये पटरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये आम के पटरे लगे हुए हैं। नीब की लकड़ी सूखी नहीं थी तो जल्दीबाजी के चक्कर में आम की लकड़ी लगा दी गई है। कस्टमर से कहा गया था, कस्टमर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आम बहुत जल्दी सड़ जाती, ख़राब हो जाती, ऐसा नहीं है। आम की लकड़ी भी अच्छी खासी लाइफ प्रोवाइड कर देती है। और यहाँ पर ये गुप्त तिजोरी कर दी गई है जो इसकी तखत की मेन पार्ट है, समझ लीजिए भाई, कि आप इसके अंदर कोई भी सामान रख सकते हैं, किसी की जानकारी में नहीं रहेगा तो आप भी सिर्फ जान सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। स्टोरेज के लिए अच्छा खासा भाई जगह इसके अंदर है, आप कोई भी सामान रख सकते हैं इसके अंदर और कोई भी नहीं जान पाएगा सिर्फ आपके सिवा, जब तक आप बताएंगे नहीं किसी को। और इसमें लॉकर भी हम लोगों ने लगा दिया है, लॉक भी हो जाता है ये। तो इस प्रकार से कुछ अपना इसका अंदर का पार्ट है जिसके लिए जो है कस्टमर ने कहा था भाई, तो बनाया गया है। और ये जो तखत है वो 4500 में कंप्लीट हो गया है। ऊपर जो पटरे हैं वो आम के लगे हुए हैं, और जितने भी फ्रेमिंग है पाए हैं वो नीब के हैं, और जिसकी जो थिकनेस है पट्टे की 1 इंची रखिएगा, जिससे कि आपकी जो तखत की लाइफ है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। अगर आप टीक और जो है शीशम में तखत बनवाते तब तो भाई अल्टीमेट लाइफ रहेगी। या बीच की लकड़ी आप देख सकते हैं, ये भी जो थिकनेस है वो 1.5 इंची है, जो चौड़ाई है वो अपनी इसकी 4 इंची है लकड़ी की। तखत बनवाते समय आप कोई भी लकड़ी यूज कर रहे हैं तो उस लकड़ी को पूरी तरीके से सुखा लीजिएगा। इंटीरियर वर्क हो चाहे कुछ भी आप बनवा रहे हो फर्नीचर से रिलेटेड, अगर उसमें लकड़ी का यूज है तो लकड़ी को पूरी तरीके से सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये लकड़ी बिल्कुल सूख चुकी है, अब इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और ये अपनी गुप्त तिजोरी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बेहतरीन कॉन्टेंट, बेहतरीन नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।